सो वेलकम स्टूडेंट्स माई एग्ज़ाम सॉल्यूशंस और मैं प्रेरणा सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ BHDS 184 रेडियो लेखन के सॉल्व गेस्ट पेपर्स। स्टूडेंट्स ये जो गेस्ट पेपर्स हैं हमारे, ये हमारे प्रीवियस ईयर के गेस्ट पेपर्स हैं और ये जस्ट मैं आपके प्रैक्टिस के लिए आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कैसे मैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने गेस्ट पेपर्स पे। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ऐसी हेल्पफुल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं स्टूडेंट्स अपने BHDS 184 की गेस्ट पेपर्स पे रेडियो लेखन। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, दूर संचार के किन किन माध्यमों का उपयोग आपका विश्वविद्यालय शिक्षण के लिए करता है? संचार प्रेषक की प्राप्तकर्ता की सूचना भेजने की प्रक्रिया है जिसमें जानकारी पहुंचने के लिए ऐसे माध्यम का प्रयोग किया जाता है जिससे संप्रेषित सूचना प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों समझ सकें। ठीक है, तो संचार प्रेषक जो है एक ऐसे संचार का उपयोग करते हैं जिससे जो संप्रेषित है, जो कि एक प्रेषक है, और जो दूसरा जो प्राप्तकर्ता है उसको समझ सके, मतलब उसको समझ आ सके, जिसके द्वारा प्राणी विभिन्न माध्यमों के द्वारा सूचना का आदान प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति है वो अलग अलग माध्यमों के द्वारा अपने संचार का, अपने सूचना का आदान प्रदान कर सके। संचार की मांग है कि सभी पक्ष एक समान भाषा का बोध कर सके जिससे कि आदान प्रदान हुआ हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ पे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे हैं स्टूडेंट्स, आपकी इस एग्ज़ाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो सकती है। ठीक है, रेडियो आवृत्ति का क्या अर्थ है, ये प्रश्न दूसरा है हमारा, रेडियो आवृत्ति की क्या क्या अर्थ है। यहाँ पे वर्ड्स लिमिट को ध्यान देते हुए आपके सॉल्यूशंस यहाँ पे हमने प्रोवाइड करे हैं। यदि आपने रेडियो नाटक लिखा है तो उसे आप निकट की रेडियो स्टेशन के किस विभाग के पास भेजेंगे? ठीक है, ये प्रश्न तीसरा है, रेडियो श्रव्य माध्यम है और दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। श्रव्य माध्यम के अंतर्गत श्रव्य काव्य के अंतर्गत आने वाले नाटक का प्रसारण कैसे हो सकता है, ये बात का प्रश्न है। ऐसे नाटक की रचना कैसे होगी, ये पहला प्रश्न है। नाटक का रंगमंच से सीधा संबंध, लेकिन रेडियो नाटक रंगमंच के लिए, ये मंचन के लिए नहीं लिखा जाता। श्रव्य माध्यम पर श्रोताओं के लिए इस नाटक का प्रसारण होता है, ये दृश्य से वंचित हो जाता है और भी बहुत इसकी परिधि में नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करे गए हैं आंसर्स। ये PDF अगर आपको बाय करना है स्टूडेंट्स, आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे। दुनिया में पहली बार रेडियो के माध्यम से समाचार कब प्रसारित किया गया? ठीक है, तो दुनिया में पहली बार 1916 में रेडियो माध्यम से समाचार प्रसारित किया गया। ये समाचार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की सूचना से संबंधित था। प्रिंट मीडिया से पहले चंद घंटों में संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों ने सूचना को सुना तो उनके कुतूहल का ठिकाना नहीं था।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी हेल्पफुल वीडियोस को देखें।